टारगेटेड थेरेपी क्या चीज़ है? टारगेटेड थेरेपी मैक्सिमम टाइम में क्या आती है, एक ओरल टैबलेट होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, कभी कभी इंजेक्शन भी हो सकती है लेकिन हमेशा मैक्सिमम केसेस में ओरल टैबलेट होती है। क्या ये सबको दी जा सकती है? जी नहीं, हमें पहले ट्यूमर में टेस्ट करना पड़ता है कि ट्यूमर कौन सा टारगेट एक्सप्रेस कर रहा है। मतलब ये वैसी बात हो गई कि हमें शुगर का ट्रीटमेंट देना, पेशेंट को शुगर होगा तब ना शुगर का ट्रीटमेंट देंगे, उसी तरह की सिंपल बात हुई। लंग कैंसर है तो लंग कैंसर में किसी तरह का स्पेशल रिसेप्टर होता है, तो उस रिसेप्टर के लिए हम ट्रीटमेंट देंगे, जो रिसेप्टर होगा उसके लिए ट्रीटमेंट देंगे। 10 तरह का टारगेटेड थेरेपी है तो 10 में से कौन सी पेशेंट को काम करेगी उसके लिए हमें ट्यूमर पे स्पेशल टेस्ट करने पड़ेंगे, जिसको मॉलिकुलर टेस्टिंग हम लोग बोलते हैं। जैसे EGFR हुआ, ELK हुआ, ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि लंग कैंसर में ट्यूमर पे कौन सा रिसेप्टर है और उसमें कौन सी दवाई काम करेगी। रही बात क्या ये अफोर्डेबल है, बिल्कुल। अभी ट्रीटमेंट जो है 200 रुपये महीने टारगेट थेरेपी से लेकर 2.5 लाख रुपये महीने तक का अवेलेबल है, तो हर तरह के पेशेंट के लिए हर टारगेटेड थेरेपी है। TMH मुंबई में हमारे ही साथ में एक ट्रायल हुआ था, स्टडी हुई थी, जिसमें क्या था कि एक स्टडी की गई थी जो सबसे सस्ती टारगेट थेरेपी EGFR के लिए जेफिटिनिब उसके साथ में कीमो मिला के दिया गया था, तो हमें पता लगा था कि वो इतना इफेक्टिव होती है, जो सबसे महंगी ड्रग है उसके बराबर इफेक्टिव हो जाती है। तो इसी तरह की स्टडीज़ की हमें ज़रूरत है और हम लोग ऐसी स्टडीज़ और करते जा रहे हैं कि हम कम से कम खर्च में सबसे ज़्यादा बेनिफिट अपने पेशेंट्स को दे पाएँ। तो कभी ये ना सोचें कि टारगेटेड थेरेपी है तो बहुत महंगा होगा, ये नहीं हमारे लिए संभव, ऐसा कुछ नहीं। टेस्ट कराना है, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, टेस्ट करा के हमें देखना है कि ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है क्या, जो टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है उसके हिसाब से टारगेटेड ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और ये सारी तरह की टारगेट थेरेपी सबसे सस्ते से लेकर सबसे महंगी टाटा मुंबई, टाटा वाराणसी सब जगह अवेलेबल है, और इसके लिए बिल्कुल निसंकोच संपर्क करें। तो देखिए, कैंसर से बचने का कोई फुल प्रूफ तरीका तो नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अच्छी हैबिट्स मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें नंबर एक हो गया तंबाकू, खैनी, इनसे तो दूर रहना ही है, स्मोकिंग से पूरी तरह से दूर रहना है। ये मिनिमम चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्दी फ्रूट्स, हेल्दी डाइट लेना, उसके अलावा बहुत ज़्यादा तले भुले खाने से बचना, और अच्छी एक हेल्दी एक्सरसाइज वगैरह मेंटेन करना। हम लोग सभी आजकल इतने व्यस्त हैं अपनी रूटीन में कि हमारे पास एक्सरसाइज करने का, अपनी बॉडी पे ध्यान देने का टाइम नहीं है। ये एंडअप गलत है। आप सोचेंगे कि हम तो कोई एडिक्शन नहीं करते, हम बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं पीते, लेकिन आप इतने बिजी हैं कि आप थोड़ी भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, अपनी बॉडी पर टाइम नहीं दे पा रहे, तो ये भी गलत है। आगे चल के किसी न किसी कैंसर या कोई और बीमारी, जैसे लंग का प्रॉब्लम है COPD, कोविड के टाइम में सबको पता लगा कि COPD नाम की एक बीमारी होती है जिससे लंग कमज़ोर हो जाते हैं, जिनके लंग्स कमज़ोर हो चुके हैं कोविड के कारण भी डेथ होने के चांस हो जाती है। तो सिर्फ कैंसर ही नहीं, और बहुत तरीके की बीमारियां हैं जिनको हम हेल्दी लाइफस्टाइल से बचा सकते हैं, और इसी की कोशिश करनी चाहिए।